मीडिया में एंकर की भूमिका बहुत अहम होती है, क्योंकि वो अपने डिबेट या शो के जरिए देश में चल रहे मुद्दों को जनता के सामने रखते हैं। आज हम कुछ एंकर्स के डिबेट्स या शोज देखेंगे कि उन्होंने पिछले हफ्ते किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, कर्फ्यू के नाम पर लौटने लगी है लॉकडाउन की आहट। दूसरा, कोरोना का यह कठिन सवाल कब हल करेगी सरकार। तीसरा, क्या इलेक्शन कमीशन मास्क ना लगाने पर अमित शाह को फाइन करेगा। चौथा, नेता रैली में और जनता तालाबंदी में। पांचवा, राफेल लड़ाकू विमान सौदे में दलाली के बादल फिर से लौटे। देश में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। इस मुद्दे पर भले ही गोदी मीडिया में डिबेट्स ना देखने को मिल रही हों, पर वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने NDTV पर अपने शो में कोरोना को लेकर चिंता जाहिर की और कुछ सवाल भी उठाए। कोरोना को लेकर कठिन प्रश्नों की श्रृंखला में एक कठिन प्रश्न यह भी है कि हमारा सिस्टम कब वैज्ञानिक आधार से चलने लगता है या कब राजनीतिक आधार से या धार्मिक आधार से, किसी को पता नहीं चलता। चले तब भी और ना चले तब भी हर बात में आधार कार्ड क्यों मांगता है, यह भी समझ में नहीं आता। कठिन प्रश्न पहले हल करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री से पूछा जा सकता है कि कोरोना को लेकर जो कठिन प्रश्न पिछले साल उपस्थित हुए थे उनका क्या हुआ? क्यों हम एक साल बाद भी अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने के नाम पर निजी अस्पतालों को रिजर्व कर रहे हैं? सरकारी अस्पतालों में लाखों बेड बनाने के उस समय के दावों का क्या हुआ? वो बेड कहाँ हैं? अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की भीड़ बता रही है कि कठिन प्रश्नों को जनता के ऊपर छोड़ दिया गया है और नेता हल्के इंटरव्यू में हल्के प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। अब बात करते हैं News24 के सीनियर पत्रकार संदीप चौधरी की और जानते हैं उन्होंने किन मुद्दों को जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, दाम बढ़ाने का वादा, बढ़ा दिए खाद के दाम। दूसरा, चुनाव से डरता है कोरोना। तीसरा, दुनिया भर में छोटे किसान क्यों हो रहे हैं विलुप्त। चौथा, जवानों के बलिदान पर सियासत क्यों। पांचवा, EVM से खेला होबे, चुनाव आयोग सवालों के घेरे में। एक तरफ बड़ा मुद्दा कोरोना का है तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन। ये मुद्दे गोदी मीडिया की सुर्खियां भले ही ना बन रहे हों, पर कुछ पत्रकार अभी भी इन मुद्दों पर सवाल कर रहे हैं। News24 के पत्रकार संदीप चौधरी ने अपनी डिबेट में किसानों से जुड़े मुद्दे को उठाया और कुछ सवाल भाजपा के नेताओं से भी किए। तो प्रकाश चंद्र शर्मा, छोटे किसानों के फायदे के लिए हैं ये कृषि कानून, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तजुर्बा कुछ और कहता है। अंतर्राष्ट्रीय तजुर्बे से कोई सीख नहीं ली क्या हमने, या जो दुनिया नहीं कर पाई वो हम कर देंगे? और जहां तक बात है देश की और विदेश की कंपैरिजन करने की बात की, संदीप जी, इस बात से और सारे लोग आप मतलब होंगे कि हमारे देश में ऋषि और कृषि की परंपरा रही है और हमें विश्व को देना है, विश्व से हमें लेना नहीं है। बिल्कुल विभिन्नता है और इस विभिन्नता को समानता करने का अच्छा, काम मतलब विभिन्नता कैसे है, थोड़ा समझाइए ना प्रकाश बाबू, थोड़ा समझाइए विभिन्नता कैसे है। बाजार ने गर्दन, घिट्टी कहते हैं ना देसी भाषा में, किसानों की यूरोप में अमेरिका में घिट्टी पकड़ ली है, बाजार उनके कब्जे में है, एग्री बिजनेसेस और सुपरमार्केट्स के। किसान उनके शिकंजे से निकल नहीं पा रहा है, वो या तो किसानी ही खत्म कर रहा है या वो सब्सिडी लेने पर मजबूर हो जाता है, हमारे यहाँ आपको पता ही है। अब बात गोदी मीडिया के एंकर्स की करते हैं और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहले बात करते हैं रिपब्लिक TV के सीनियर पत्रकार अर्नब गोस्वामी की और देखते हैं उन्होंने किन मुद्दों को देश की जनता के लिए जरूरी समझा। पहला, आज चुप क्यों है लुटियन मीडिया। दूसरा, योगी की वैक्सीन से भागेगा माफियाओं का वायरस। तीसरा, वोट के लिए मुसलमानों को ठगने वाले कब माफी मांगेंगे। चौथा, जवानों की मौत पर अब तक क्यों चुप है मोमबत्ती गैंग। पांचवा, 3 कटमनी टेप, वसूली के सिंडिकेट पर जोरदार चपेट। आपने देख ही लिया अर्नब ने किन मुद्दों पर डिबेट्स की। अपनी एक डिबेट में अर्नब सवाल मीडिया पर उठा रहे हैं, देखते हैं महाराष्ट्र से जुड़े एक मुद्दे पर वे क्या कह रहे हैं। लुटियन मीडिया का सचिन वाजे, तक वालों का सचिन वाजे, तक वालों का सचिन वाजे। क्यों तक वालों, है ना आपका सचिन वाजे, था ना आपका सचिन वाजे, क्यों तक वालों, रहेगा ना आपका सचिन वाजे। अरे तकवालो, कुछ तो करो, आपका सचिन वाजे तलोजा जेल पहुंच गया है। यही वही तलोजा जेल है तकवालो, जहां मैंने कई दिन बिताए थे,
अरे तकवालो कुछ तो बोलो। लेकिन कहते हैं ना वक्त बड़ा बलवान होता है तकवालो। सबका नंबर आएगा तकवालो, आपका भी आएगा। जब वक्त का पहिया घूमता है, याद रखो तकवालो, हर षड्यंत्रकारी का नंबर आता है। अब बात न्यूज 18 के वरिष्ठ पत्रकार अमीश देवगन की करते हैं और जानते हैं उन्होंने किन मुद्दों पर चर्चा की। पहला, फैसला खिलाफ तो कोर्ट पर सवाल, अयोध्या के बाद काशी का समाधान। दूसरा, कोरोना की आफत चौतरफा सियासत, कोरोना पर महाकलह। तीसरा, मुस्लिम वोटर्स को लुभाना सही पर हिंदू को एकजुट करना क्यों है गलत। चौथा, सीबीआई आई, देशमुख गए, अब किसकी बारी। 100 करोड़ ने लिया पहला विकेट। पांचवा, ईवीएम पर खेला, लोकतंत्र पर चोट, नियत में किसकी खोट। अमीश ने अपने शो में कोरोना के मुद्दे पर डिबेट की। देखते हैं वे इस मुद्दे पर सवाल किससे कर रहे हैं और क्या जानकारी दे रहे हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ गया है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार कोरोना वैक्सीन को लेकर भेदभाव कर रही है। उद्धव सरकार का आरोप है कि जिन राज्यों में बीजेपी और एनडीए का शासन है वहां तो वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र को जितनी वैक्सीन चाहिए उतनी नहीं दी जा रही। हालांकि खुद महाराष्ट्र अघाड़ी सरकार में शामिल एनसीपी के अध्यक्ष शरदराव पवार मोदी सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार महामारी के इस कठिन समय में राज्य सरकार के साथ पूरा सहयोग कर रही है। शरदराव पवार ने ये भी कह रहे हैं कि इस मुश्किल वक्त में सबको एकजुट रहने की जरूरत है, यानी शरद पवार खुद उद्धव सरकार के दावे पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र के साथ साथ राजस्थान और झारखंड की सरकारें भी केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही हैं। सवाल है, क्या सियासी तूतू मैमे से आम जनता को राहत मिल जाएगी। आपने दोनों तरह के मीडिया को देखा कि कौन किस तरह के मुद्दों को देश की जनता के लिए जरूरी समझता है। हम आगे भी मीडिया और देश में चल रही जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे आपको तय करना है कि आपको किस तरह का मीडिया देखना है और किस तरह की जानकारी पानी है। पंजाब टुडे रिपोर्ट। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.